भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र के भीखनपुर गुमटी नंबर 2 के समीप दो मुर्गा दुकानदार के बीच वाहन पार्किंग को लेकर जमकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान अजमेरी मीट हाउस संचालक बबलू कुरैशी ने चाकूबाजी शुरू कर दी। घटना में मोहम्मद शोराफ कुरैशी गंभीर रूप से घायल हो गया। धारदार हथियार से मोहम्मद शोराफ के गले में हमला किया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आपातकालीन 112 की टीम ने प्रारंभिक इलाज के लिए भागलपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। मामले को लेकर घायल मोहम्मद शोराफ कुरैशी के पिता मोहम्मद अख्तर कुरैशी ने बताया कि दुकान के सामने गाड़ी लगाने को लेकर बहसबाजी हुई। इसी दौरान बबलू कुरैशी ने धारदार चाकू से गले पर हमला कर दिया, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल कई सालों से मीट हाउस का दुकान चलाते हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन भी अस्पताल पहुंचे। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। घटना था यही कि हमारा मुर्गी का दुकान है, इनका खस्सी का दुकान है, जबकि हमसे उससे कोई तरह का कभी कोई तरह का बात नहीं। आज कुछ हुआ होगा, उसी में जो छुरी उठा के उसके गर्दन पे मार दिया। कौन मारा? उसका पापा का नाम है नन्नू कुरैशी। जो मारा है? मारा है जिसका नाम है बबलू। जो घायल है? जो घायल है उसका नाम है सोराब जी। भागलपुर जिला अंतर्गत तिलकामांझी थाना क्षेत्र में विगत 7 वर्ष पूर्व बलात्कार के बाद हत्या कर देने का एक कांड हुआ था। उस मामले का मुकदमा लव कुश कुमार 6 ADJ कोर्ट में चल रहा था। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और पोक्सो एक्ट व 377.376 में 10.10 वर्ष की सजा और 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उक्त मामले में 3 व्यक्ति आरोपी था, पर गवाह गुजारने के बाद प्रमाण के साथ संदीप कुमार चौधरी को दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई। जो है एक सजा हुआ 377 में, 377 में 4 पोक्सो एक्ट में और 302 में सजा हुआ। 377-376 जो हम बोल सकते हैं उसमें 10 वर्ष हुआ और 4 पोक्सो एक्ट में जो है उसमें भी 10 वर्ष किया। 302 में जो लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ। ये घटना जो है तिलकामांझी थाना कांड संख्या 14-17 का है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कुलपति के इशारे पर विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं को प्रदर्शन के दौरान घसीटकर गिरफ्तार कर 1 बजे से रात 11 बजे तक हिरासत रखने के विरोध में विद्यार्थी परिषद ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से विद्यार्थी परिषद ने अपने आंदोलन की आगामी योजना एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने हेतु आह्वान किया। कुलपति भगाओ विश्वविद्यालय बचाओ अभियान का शुरुआत विद्यार्थी परिषद द्वारा किया जाएगा। प्रदेश सह मंत्री हैप्पी आनंद ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की बर्बरतापूर्वक गिरफ्तारी व छात्रों के आवाज को दबाने का प्रयास है और इसे विद्यार्थी परिषद बर्दाश्त नहीं करेगा। कहीं न कहीं अब विद्यार्थी परिषद का एकमात्र लक्ष्य है कि इस विश्वविद्यालय से VC को भगाइए और विश्वविद्यालय बचाइए। अब हमारा आंदोलन यही है कि VC भगाएं और विश्वविद्यालय बचाएं। तो इस समस्या को लेकर विद्यार्थी परिषद का आज से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन प्रारंभ होता है। कल से हम लोग सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे, परसों किसी अन्य प्रकार का यानी कि रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग यहाँ से राजभवन तक अगर मार्च करना होगा तो उसके लिए भी विद्यार्थी परिषद तैयार। नवगछिया में विगत 2 मई को खरीक बाजार के SBI से 50,000 रुपये निकालकर एक महिला घर जा रही थी, तभी अपराधी उस महिला के हाथ से रुपए वाला थैला छीनकर भाग गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम ने तकनीकी व मानवीय अनुसंधान कर त्वरित कार्रवाई करते हुए कदवा थाना क्षेत्र के पचगछिया से लुटेरा ललन कुमार पिता उमेश प्रसाद सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ललन कुमार की निशानदेही पर अन्य 2 अपराधी श्रीशी कुमार और गुलशन कुमार को भी कदवा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। उक्त अपराधी ने नवगछिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर रिंग बांध के पास CSP संचालक से 3,50,000 लूट लिया था। तमाम लूटेरे को नवगछिया पुलिस ने 1,47,000 नकद, घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, एक पासबुक, 2 आधार कार्ड और 2 मोबाइल के साथ दबोच लिया है। प्रेस वार्ता के माध्यम से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि इस 3 लुटेरे के साथ विगत 5 अक्टूबर को इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर चंडी स्थान में एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस गोलीकांड में एक आरोपी फरार चल रहा था।
उस फरार आरोपी चंदन यादव पिता शंभू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नवसिया पुलिस जिला अंतर्गत खरी थाना क्षेत्र में दिनांक 2/5/24 को SBI खरीक से एक महिला के द्वारा 50,000 रुपया निकाल के घर जाया जा रहा था। इसी बीच में अपराधियों द्वारा महिला से 50,000 रुपया छीन लिया गया। इस संबंध में खरीक थाना कांड संख्या 88/24 दिनांक 2/5/24 दर्ज किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अविलंब मेरे नेतृत्व में एक विशेष टीम के गठित की गई, जिसमें SHO खरीक और थाना के उनके ऑफिसर के अलावा DIU टीम के भी सदस्य थे। और जो गठित टीम के द्वारा, जिसमें DIU और SHO खरीक थे, इनके द्वारा बेहद बहुत काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करते हुए इसमें घटना में संलिप्त ललन कुमार को लूटी गई 40,500 रुपया के साथ और भी रुपया बरामद किया गया। बाईपास थाना क्षेत्र में विगत रात्रि करीब 9 बजे एक ओवरलोड कपड़ा लदा ट्रक बंगाल से जगदीशपुर होते हुए भागलपुर की तरफ आ रही थी, तभी बारिश की वजह से ट्रक चालक ने अपना संतुलन खो दिया और ट्रक खाई में गिर गई। हद तो तब हो गई जब रात्रि के 10 बजे ट्रक मालिक व चालक बोलेरो से अपने ट्रक को देखने पहुंचे, जहां तेज गति से आ रही अन्य हाईवा ने बोलेरो में जोरदार ठोकर मारी। इससे बोलेरो चालक को हल्की चोटें आई है तथा अन्य को गंभीर रूप से चोट आई है। सूत्रों से पता चला है कि कपड़ा अवैध रूप से बंगाल से आ रहा था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भागलपुर जिला प्रशासन इस कपड़े की जांच पड़ताल करती है या फिर खाना पूर्ति कर छोड़ देती है। अभी हम थाना से देख के आई रहे थे, वो अपना बोलेरो किए, तब तक तेज गति से हाईवा आया, इतना जोर से मारा कि 20 फीट गाड़ी मेरा रोड से टिका। वो हाईवा किधर गया? हाईवा अभी थाना लेके गया। अच्छा, थाना लेके हाईवा को गया है। तो किसी को चोट उठ भी आया है? हमको भी चोट आया सीना में, मेरा सीट बेल्ट लगा हुआ। आप लोग खड़े थे गाड़ी लगा के साइड में? नहीं, गाड़ी में बैठ के तभी रोक ही रहे, और बहुत स्पीड से गाड़ी आई है। आप लोग तो उधर साइड में होगा ना? हाँ, तो साइड में ही थे ना। वो तो ड्राइवर अनबैलेंस कर गया, हाईवा वाला ड्राइवर अनबैलेंस हो गया, वो बहुत स्पीड में था। भागलपुर जिला अंतर्गत मोती मात्र सेवा सदन नया बाजार में मारवाड़ी महिला समिति के द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित की गई। इस मौके पर जिले के अनेक महिला पुरुष ने अपना रक्तदान किया। रक्तदान लोगों को क्यों करना चाहिए, इसे भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट डॉ प्रीति शेखर ने बताया। साथ ही इस कार्यक्रम में पहुंची स्मार्ट सिटी भागलपुर की महापौर डॉ वसुंधरा लाल ने कहा कि जैसे समय के एक एक क्षण का महत्व है, उसी प्रकार रक्त के एक एक कण का महत्व है। इस मौके पर मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती मीनू सलारपुरिया, बीना अग्रवाल, संध्या महेशिका के अलावे भागलपुर की महापौर डॉ वसुंधरा लाल, डॉ प्रीति शेखर, रोहित पांडे आदि अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये रक्तदान सबसे अच्छा दान माना जाता है और ये सबसे बड़ी सेवा होती है। जिस तरह समय का महत्व है एक एक क्षण का, उसी तरह रक्त के एक एक कण का महत्व है। जो लोग, जिनको रक्त का ज़रूरत है, जो इंजोर्ड पर्सन है या जिसे जिसकी सर्जरी होनी है, रक्त के अभाव में होने पाता है उसके लिए, और वैसे बच्चे जिसको कि अनुवांशिक बीमारियां हैं, जैसे थैलेसीमिया है, वैसे बच्चों को रक्त का बहुत ज़रूरत पड़ता है।